हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एनसीईआरटी शिक्षक। आई एम प्रभावी मिश्रा। आज हम क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड प्रेशर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 7 में आपने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट्स कैसे मूव करते हैं और हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट फास्टर मूव कर रहा है और कौन सा स्लो है उसकी स्पीड से, है ना। और स्पीड क्या होता है ये भी हमने पढ़ा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा एक यूनिट टाइम के अंदर जितनी भी डिस्टेंस कवर की जाती है वही उस ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है। ये हमने पढ़ा था, है ना, याद आ रहा होगा आपको। अब देखिए, जैसे कोई भी चीज मूव कर रही है, जैसे कि आपने एक बॉल मान लीजिए फ्लोर पे रखी और उसे पुश कर दिया, या फिर आपने बॉल थ्रो की, तो वो थोड़ी देर मूव करने के बाद उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी और धीरे धीरे वो अपने आप ही रुक जाएगी, है ना। तो अभी मैं आपको ये पढ़ाऊंगी कि ऐसा क्यों होता है। अब जैसे जो फास्ट बॉलर्स होते हैं तो वो बॉल को फास्ट स्पीड में थ्रो करने के लिए क्या करते हैं, उस पर ज्यादा ताकत लगाते हैं ना, उस पर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। और फुटबॉल भी खेला होगा आपने, तो जो गोलकीपर होता है वो बॉल को रोकने के लिए क्या करता है, बॉल को रोकने के लिए उसे ताकत लगानी पड़ती है ना। और जो हॉकी प्लेयर्स होते हैं वो अपनी हॉकी स्टिक से बॉल को पुश करते हैं, है ना, तो बॉल का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। यानी बॉल का डायरेक्शन चेंज करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, हॉकी स्टिक से उसे पुश कर रहे हैं, उस पर ताकत लगा रहे हैं, है ना। और फील्डर्स जब बॉल को रोकते हैं, उस बॉल को रोकने के लिए भी उन्हें ताकत लगानी पड़ती है, कैच करने के लिए या बॉल को रोकने के लिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी चीज पर हम ताकत लगाकर, ताकत मतलब बल लगाकर, बल का ही मतलब होता है फोर्स, फोर्स लगाकर, ताकत लगाकर या बल लगाकर हम रुकी हुई चीज को मूव कर सकते हैं, है ना, और जो ऑलरेडी मूव कर रही है उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं और किसी चीज का हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हम बल लगाकर कर सकते हैं। तो आज हम उसी बल, उसी फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम देखते हैं कि ये फोर्स है क्या। देखिए बेटा, आज का ये चैप्टर हमारा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हम देखेंगे, डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस हम देखेंगे और उन एक्सपेरिमेंट्स के ही थ्रू, और वो जो वो एक्सपीरियंसेस हैं उन्हीं के ही थ्रू हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में हर एक एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको पूरा चैप्टर समझाऊंगी अच्छे से। और इस चैप्टर में नोट्स कम है लेकिन समझने वाली, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने वाली चीजें ज्यादा हैं, ठीक है। तो आप हर एक, जो भी मैं एग्जांपल बताऊंगी और जो भी एक्सपेरिमेंट्स होंगे उन सब पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी देखिए, मैंने आपको एग्जांपल दिए थे ना, ये फुटबॉल में जो गोलकीपर गोल को पकड़ता है, सेव करता है, तो उसमें उसको क्या करना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है ना, ताकत लगानी पड़ती है। ये मैंने हॉकी प्लेयर का एग्जांपल दिया था, आपको याद आ रहा होगा। जब भी आप हॉकी प्ले करते हो, आप हॉकी स्टिक से ऐसे बॉल का डायरेक्शन चेंज करते हो, है ना, उसमें भी ताकत लगानी पड़ती है ना। क्रिकेट तो हम सभी ने खेला ही है, बॉल को बैट से हिट करने के लिए भी ताकत लगानी पड़ती है, फील्डिंग करते वक्त बॉल को रोकने के भी लिए ताकत लगानी पड़ती है ना। देखिए बोर्ड पर मैंने सबसे फर्स्ट हेडिंग क्या लिखी हुई है, फोर्स यानी बल। अब पुश, पुश का मतलब धक्का, और पुल, पुल मींस खिंचाव। ये जो फोर्स होता है इसे हम जनरल टर्म्स पे कह सकते हैं कि एक्चुअली ये पुश या पुल होता है, ठीक है। धक्का देना या फिर खींचना, खिंचाव, यही होता है फोर्स, यही होता है बल, ठीक है। अब देखिए, ये जो पिक करना यानी किसी चीज को उठाना, किक करना, हिट करना, लिफ्ट करना, फ्लिक करना या पुश करना, पुल करना, इन सारे ही एक्शंस में ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टेट में चेंज हो रहा है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, ठीक है। आपकी बुक में एक टेबल दी हुई है, उसमें आपको कुछ एक्शंस दिए हुए हैं, उनको करने के लिए आप क्या करते हो, आपको ये लिखना है, ठीक है। उन सारे ही एक्शंस में आप देखोगे कि आपको या तो पुश करना पड़ता है और या फिर पुल करना पड़ता है, या फिर दोनों ही एक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। आइए हम पहले टेबल ही देख लेते हैं। देखिए ये एक टेबल बनी हुई है, ठीक है। इसमें आपको लिखना है कि आपको क्या करना पड़ रहा है। एक एग्जांपल दिया है, मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल, टेबल पे जो बुक रखी है उसे मूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है, पुल करना पड़ता है, या फिर आपको लिफ्ट करना पड़ता है ना। तो इसमें पुश और पुल दोनों ही काम हो रहे हैं। सेकेंड है ओपनिंग और शटिंग अ डोर, डोर को ओपन या शट करने के लिए क्या करना पड़ता है, पुश और पुल दोनों करने पड़ते हैं ना।
कभी पुश करना पड़ता है, कभी पुल करना पड़ता है। ड्रॉइंग अ बकेट ऑफ वॉटर फ्रॉम अ वेल, कुएं से पानी खींचते वक्त तब भी हमें क्या करना पड़ता है, पुल करना पड़ता है ना। जब हम रस्सी को पुल करते हैं तभी कुएं से पानी की बकेट बाहर आती है। फुटबॉल प्लेयर फोर नंबर पे, अब फुटबॉल प्लेयर टेकिंग अ पेनल्टी किक, किक करने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है ना, पुश करना पड़ता है। और इनमें से आप कोई भी एक्शन लिख सकते हो जो भी आपको लग रहा हो, जैसे इसमें तो किकिंग ही हो गया है ना, तो वो वाला एक्शन आप इसमें फिल कर सकते हो। और इधर मेन ये वाले कॉलम में आपको हर एक एक्शन में आपको पुश या पुल या फिर दोनों ही करने पड़ रहे होते हैं। फाइव नंबर पे क्रिकेट बॉल हिट बाय अ बैट्समैन, वो क्या कर रहा है, बॉल को जब हिट कर रहा है तो क्या कर रहा है, पुश कर रहा है ना। सिक्स नंबर पे मूविंग अ लोडेड कार्ट, जो लगेज से भरी हुई जो कार्ट होती है उसे क्या करना पड़ता है, मूव करने के लिए पुल करना पड़ता है या फिर पुश करना पड़ता है। आपने देखा भी होगा कि जो भारी भारी जो कार्ट होती हैं उन्हें या तो वो धक्का दे करके पुश कर रहे होते हैं या फिर उसे खींच रहे होते हैं ना, तभी तो वो आगे बढ़ती है। सेवन नंबर पे ओपनिंग अ ड्रॉर, ड्रॉर को ओपन करने के लिए क्या करना पड़ता है, पुल करना पड़ता है, उसे खींचना पड़ता है। तो आप ये फिल कर लीजिएगा पेंसिल से। तो देखिए फोर्स की डेफिनेशन क्या हो गई, फोर्स मीन्स बल, ठीक है। अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम पुश कर रहे हैं, मीन्स उस पर धक्का लगा रहे हैं या फिर उस पर पुल कर रहे हैं, उसे खींच रहे हैं, खिंचाव, तो यही हो जाता है फोर्स, इसी को ही हम बल कहते हैं, ठीक है। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी याद आ रहे होंगे, है ना। अभी मैंने कई सारे एग्जाम्पल्स बताए, उनके अलावा जैसे आप मैग्नेट से भी आपने प्ले किया ही होगा, तो मैग्नेट से जब आप प्ले करते हो, जब आप टू मैग्नेट्स को एक पास लेकर के आते हो तो वो क्या होते हैं, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना। अगर आप दोनों ही मैग्नेट्स के सेम पोल को एक पास लेकर के आते हो तब क्या होता है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं ना, एक दूसरे को दूर दूर कर देते हैं। तो अब जब वो मैग्नेट अट्रैक्ट हो रहे थे, एक पास आ जा रहे थे, ठीक है, तो वो जो वो अट्रैक्शन है उसे आप क्या पुल कह सकते हो, क्या खिंचाव कह सकते हो, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अपनी तरफ खींच रहा है, तभी तो वो पास पास आ जा रहे हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ, वो जो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसे हम पुल कह सकते हैं ना, खिंचाओ। और जब हम सेम पोल्स को एक पास लेकर के आ रहे थे तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, एक दूसरे से दूर हो रहे थे, है ना। तो वो जो वो दूर होना है उसको हम पुश कह सकते हैं ना, धक्का दे रहे हैं ना एक दूसरे को कि तुम दूर जाओ, तो वो जो वो रिपल्सन है उसे हम पुश कह सकते हैं ना, तो वो भी एक तरीके का फोर्स ही है, ठीक है, वो मैग्नेट के द्वारा जो लगाया जाता है। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरैक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इनटू प्ले। कोई भी फोर्स लगने के लिए लगभग दो ऑब्जेक्ट्स होने ही चाहिए, ठीक है। वो दो ऑब्जेक्ट्स आपस में जब इंटरैक्ट करते हैं तभी फोर्स लगता है। जैसे अभी हमने क्रिकेट का एग्जांपल लिया था, क्रिकेट में बैट्समैन बॉल को हिट कर रहा है अपने बैट से, तो यानी कि वो जो वो बैट है और वो जो वो बॉल है उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच इंटरेक्शन हो रहा है ना, उनके ही इंटरेक्शन की वजह से ही फोर्स लग रहा है। और अभी जैसे हमने मैग्नेट का एग्जांपल लिया तो उसमें दो मैग्नेट आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे, ठीक है। अब देखिए अगर एक खाली मैग्नेट कहीं भी ऐसे पड़ा हुआ हो तब उसमें कोई भी फोर्स लग रहा होता है, तब क्या वो किसी भी चीज को पुल या पुश कर रहा होता है, नहीं। या तो वो दूसरा मैग्नेट उसके साथ इंटरैक्ट करना चाहिए और या फिर कोई भी आयरन की चीज उसके साथ इंटरैक्ट करनी चाहिए, तभी फोर्स लगेगा। मींस फोर्स लगने के लिए दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में इंटरैक्शन बहुत जरूरी होता है। अब देखिए ये एग्जांपल दिया हुआ है, ये कार खड़ी हुई है और इसके पीछे ये मैन खड़ा हुआ है, ठीक है। ये कुछ भी नहीं कर रहा है ना, तो कार को धक्का दे रहा है ना कार को खींच रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, ऐसे ही वो इसके पीछे खड़ा हुआ है। तो क्या इसके पीछे इसकी मौजूदगी की वजह से ये कार मूव करना शुरू हो जाएगी, नहीं होगी, है ना। ये आदमी खड़ा हुआ है लेकिन तब भी वो मूव नहीं करेगी। इसमें क्या हो रहा है, ये जो ये पर्सन है ये इस कार को पुश कर रहा है, ठीक है। अब ये इस कार को पुश कर रहा है मींस फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अब अगर ये ज्यादा फोर्स लगा पा रहा है, इतना फोर्स लगा पा रहा है कि ये कार मूव करने लग जाए, तो ये मूव करने लग जाएगी। और अगर फोर्स कम है तो वो मूव नहीं करेगी, लेकिन दोनों के बीच इंटरेक्शन हो रहा है यहाँ पे, है ना, तो मींस फोर्स लग रहा है यहाँ पे। अब इससे कार चलना शुरू भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है।
अगर कार इस पर्सन के द्वारा लगाए गए फोर्स की वजह से चलना शुरू हो गई तो वो उसी डायरेक्शन में चलना शुरू होगी जिस डायरेक्शन में ये पर्सन फोर्स लगा रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है ना। अब देखिए, आप जरा इस पिक्चर को देखिए, क्या आप इसमें बता सकते हैं कि कौन किसको पुल कर रहा है या कौन किसको पुश कर रहा है? ये वाली पिक्चर देखिए, इसमें आप बता सकते हैं कि कौन किसे पुल कर रहा है? इस वाली पिक्चर में आपको पता लग पा रहा है कि कौन किसे पुल कर रहा है? नहीं ना बेटा, इसमें दोनों लोग एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। वो जो वो बुल है वो अपनी तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है और ये जो फार्मर है अपनी तरफ उसे पुल करने की कोशिश कर रहा है। इस वाली पिक्चर में भी दोनों लोग एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, दोनों लोग एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। ये गेम आपने खेला होगा ना, ऐसे हाथ पकड़ के गोल गोल घूमने वाला, इसमें भी ये दोनों गर्ल एक दूसरे पर फोर्स लगा रही हैं, एक दूसरे को पुश कर रही हैं दोनों ही, ठीक है। तो इन पिक्चर्स को देखकर आपको क्या समझ में आया? मतलब इन दो लोगों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। दोनों लोग एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका मतलब वही हो गया जो अभी मैंने लिखा हुआ है कि कोई भी फोर्स तभी लगता है जब दो ऑब्जेक्ट्स या दो लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हो, ठीक है। कम से कम दो ऑब्जेक्ट तो जरूरी ही है। अब देखिए, ये मान लीजिए ये एक हैवी बॉक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे दो पर्सन दिखाए जा रहे हैं, आप सिर्फ एक पर्सन को मानिए, ठीक है। कोई एक पर्सन इसे पुश करने की कोशिश कर रहा है, इसे मूव कराने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज्यादा ताकत उसे अप्लाई करनी पड़ रही होगी, है ना। बहुत ज्यादा ही फोर्स लगाने के बाद भी हो सकता है वो बॉक्स मूव कर जाए, और ये भी हो सकता है कि वो ना मूव करे। अब इसने अपने फ्रेंड को बुला लिया, अब दोनों लोग मिल करके इस बॉक्स को सेम डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, है ना। अब देखिए, अब वो बॉक्स अगर मूव कर रहा होगा तो उसे पहले से कम ताकत अप्लाई करनी पड़ रही होगी उस पे, है ना, क्योंकि अब दो लोग फोर्स लगा रहे हैं। अब आप ये वाली पिक्चर देखिए, वही बॉक्स है, ठीक है, और वही दो लोग हैं, लेकिन वो अब अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ पुश कर रहे हैं। ये वाला उधर की तरफ पुश कर रहा है और ये वाला इधर की तरफ, है ना। अब अगर दोनों लोग इक्वल फोर्स लगा रहे हैं तो ये बॉक्स किधर भी साइड मूव नहीं करेगा, ठीक है। और अगर ये वाला, जैसे ये वाला पर्सन ज्यादा ताकतवर हो अगर, ठीक है, ये ज्यादा फोर्स लगा रहा हो, तो क्या होगा, तो ये बॉक्स किधर मूव करेगा, इस साइड, जो कम ताकत अप्लाई कर रहा है उस साइड ये बॉक्स मूव कर जाएगा, ठीक है। आपने स्कूल टाइम में ये टग ऑफ वॉर गेम खेला ही होगा, है ना। इसमें क्या होता है, एक रोप होती है, दो टीम्स होती हैं, वो अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करती हैं, खींच रही होती है ना। ये वाली टीम अपनी तरफ पुल कर रही है और ये वाली टीम अपनी तरफ पुल कर रही है। अब जो भी टीम ज्यादा फोर्स लगाएगी, जैसे अगर ये वाली टीम ज्यादा फोर्स लगा रही है, ठीक है, तो ये अपनी तरफ पुल कर रही है, तो ये जो रोप है ये इस वाली टीम की तरफ पुल हो जाएगी, खींच जाएगी, है ना। और हो सकता है ये मेंबर्स भी उधर ही खींच जाए, और अगर ये वाली टीम ज्यादा फोर्स लगा रही है तो ये रस्सी इस साइड में खींच जाएगी। देखिए, दोनों सिचुएशंस अलग अलग थी। इस वाली सिचुएशन में दोनों टीम्स अपनी तरफ पुल कर रही हैं, खींच रही हैं, है ना। तो जो टीम ज्यादा फोर्स लगाएगी उसी साइड में ये रोप मूव कर जाएगी, उसी तरफ ये रस्सी खींच जाएगी, ठीक है। और जबकि इस वाली सिचुएशन में क्या था, ये दोनों पर्सन एक दूसरे की तरफ पुश कर रहे थे, धक्का लगा रहे थे, ठीक है। तो जिधर फोर्स ज्यादा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में बॉक्स मूव करेगा, ठीक है। दोनों सिचुएशन डिफरेंट हैं। तो आइए हम फोर्स का नेचर समझ लेते हैं। नेचर ऑफ फोर्स, फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर। जो भी फोर्स सेम डायरेक्शन में लगाया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, वो एड हो जाता है। जैसे हमने बॉक्स का एग्जाम्पल देखा था, हमने देखा था एक बॉक्स था बहुत हैवी सा, ठीक है, और एक पर्सन जब उस पर फोर्स लगा रहा था तो उसे ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही थी, है ना। और जब उसने अपने फ्रेंड को भी बुला लिया और दोनों लोग उस बॉक्स पे फोर्स लगा रहे थे तो उन्हें कम फोर्स लगाना पड़ रहा था, है ना, बॉक्स को मूव कराने के लिए। तो जैसे ये मान लीजिए कोई पर्सन है और ये दूसरा पर्सन है, ठीक है, और ये दोनों पर्सन इस ऑब्जेक्ट पे, इस हैवी बॉक्स पे सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो इन दोनों का फोर्स ऐड हो जाएगा, ठीक है। और जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, इन दोनों की ही ताकत जितनी होगी उतना रिजल्टेंट फोर्स होगा, ठीक है। तो उस बॉक्स को मूव करने में कम ताकत लगानी पड़ेगी क्योंकि दो लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, तो उन दोनों की ताकत ऐड हो जा रही है, ठीक है, ऐड हो जाता है अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाए किसी ऑब्जेक्ट पे। तो यही मैंने आपको इजी वे में लिख दिया है यहाँ पे। ये जो F1 था, पहले वाले पर्सन के द्वारा लगाया गया फोर्स प्लस F2
जो दूसरा वाला पर्सन फोर्स लगा रहा है, और एड होने के बाद फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में, उसी सेम डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो फोर्स अप्लाई कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए हम नेचर ऑफ फोर्स पढ़ रहे थे ना, तो उसी के नीचे आप लिखिएगा। ठीक है, इफ द टू फोर्सेस एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। हमने देखा था कि किसी ऑब्जेक्ट पे अगर सेम डायरेक्शन में दो फोर्स अप्लाई हो रहे थे तो वो आपस में एड हो जा रहे थे। अब ये बोला जा रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अपोजिट डायरेक्शन से दो फोर्स लग रहे हैं तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, तो इसका जो भी इफेक्ट होगा वो क्या होगा, इन दोनों फोर्सेस का जो डिफरेंस होगा वो होगा। ठीक है, देखिए हमने देखा था वो जो वो दो बॉयज थे वो हैवी ऑब्जेक्ट को पुश करने की कोशिश कर रहे थे ना, तो जब वो अलग अलग डायरेक्शन से पुश कर रहे थे, है ना, एक बॉय इधर था एक बॉय उधर था, तो क्या हो रहा था, अगर वो दोनों बराबर का इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे थे, एक दूसरे की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहे थे, इक्वल फोर्स अगर दोनों साइड से लगा रहे थे, तो वो ऑब्जेक्ट जो था वो मूव नहीं कर रहा था। ठीक है, और मान लीजिए कि अगर ये वाला फोर्स ज्यादा हो, ये वाला बॉय ज्यादा फोर्स लगाएगा तो वो ऑब्जेक्ट इस साइड मूव होगा। ठीक है, इधर अगर ज्यादा फोर्स है तो ये ऑब्जेक्ट इस साइड मूव होगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो वो फोर्स जो होता है वो माइनस हो जाता है। सेम डायरेक्शन में लग रहा था तो वो एड हो रहा था, अब अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो फोर्स आपस में माइनस हो जाता है। ठीक है, इसीलिए मैंने सिंपल समझाने के तरीके से लिख दिया है, आपको समझ आ रहा होगा। जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक, अ फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर और इक्वल टू ईच अदर। देखिए, फोर्स या तो ज्यादा हो सकता है या कम भी हो सकता है या फिर एक दूसरे के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो दो फोर्स को आपस में कंपेयर किया जा सकता है। कैसे, क्यों, क्योंकि इनको नापा जा सकता है, इनका मैग्नीट्यूड होता है। द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। जो स्ट्रेंथ होती है फोर्स की, ठीक है, वो फोर्स कितना लग रहा है, कम है या ज्यादा है, उसको मापा जा सकता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, उसको मैग्नीट्यूड में एक्सप्रेस किया जा सकता है। देखिए, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है, मीन्स उसको हम नंबर्स में नाप सकते हैं। ठीक है, और फोर्स का डायरेक्शन भी होता है, मीन्स हम डायरेक्शन भी पता लगा सकते हैं कि वो किस साइड में फोर्स लग रहा है। ठीक, अगर किसी भी लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड, मीन्स जैसे ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, अब हम अगर कम फोर्स लगाने लग गए, यानी उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, तो जो उस फोर्स के लगने के बाद जो इफेक्ट होगा वो भी चेंज हो जाता है। और अगर डायरेक्शन चेंज हो गया, जैसे जब सेम डायरेक्शन में लग रहा था तो ऑब्जेक्ट उस साइड में मूव कर रहा था, अब जब अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो जिधर फोर्स ज्यादा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना। तो जब डायरेक्शन चेंज होता है तो भी उस फोर्स का जो इफेक्ट है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, दो चीजें मैंने बताई कि फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब मैंने स्ट्रेंथ बताई, ज्यादा है कम है, वो चीज अगर चेंज हुई तो इफेक्ट चेंज हो जाएगा। दूसरा बताया, अगर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो भी फोर्स को लगने के बाद जो इफेक्ट होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक, क्लियर। इफ द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शंस आर इक्वल देन द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो। ये हमने देखा था टग ऑन वॉर गेम में भी, और वो जो दो पर्सन बॉक्स को पुश कर रहे थे अपोजिट डायरेक्शन से, उसमें भी कि अगर जैसे ये हैवी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है, अब अगर ये दोनों तरफ से इक्वल फोर्स अप्लाई हो रहा है तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, किधर भी मूव नहीं करेगा। इस पे फोर्स लग रहा है लेकिन तब भी वो किसी भी साइड नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जो नेट फोर्स है वो जीरो हो गया। यहाँ पे हमने क्या देखा था, जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो उन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है ना, यही तो देखा था। अब इन दोनों ही तरफ से अब बराबर फोर्स लग रहा है तो 50 बेटा फोर्स को जो मेजर करते हैं उसकी यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है, न्यूटन। अब इस साइड से भी 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इस साइड से भी 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो आप माइनस करके देख लो, नेट फोर्स कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई।
अब देखिए तो इन जनरल हम क्या कह सकते हैं, मोर देन वन फोर्स मे बी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक से ज्यादा फोर्स एक्ट कर सकते हैं। हाउएवर द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ठीक है, कितने भी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट क्यों ना कर रहे हो, लेकिन जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उस फोर्स के द्वारा उस ऑब्जेक्ट पे जो कोई भी इफेक्ट पड़ना होगा वो हमेशा नेट फोर्स की ही वजह से पड़ेगा, ठीक है, जो भी इफेक्ट पड़ेगा वो नेट फोर्स की ही वजह से पड़ेगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे थे और दोनों इक्वल थे तो नेट फोर्स जीरो हो जा रहा था, है ना, तो इसीलिए ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा था। और जब सेम डायरेक्शन में दो फोर्स अप्लाई हो रहे थे तो वो एड हो जा रहे थे, है ना, तो वो ऑब्जेक्ट आसानी से मूव हो जा रहा था। तो हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो भी फोर्स के लगने की वजह से जो भी इफेक्ट होगा वो नेट फोर्स की वजह से होगा, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट हेडिंग है अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन का मतलब क्या हो गया, गति की स्थिति, ठीक है, जो मोशन की जो स्थिति है उसे बदल सकता है फोर्स। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स से समझ लेते हैं। देखिए किसी टेबल पर या फिर बराबर की फ्लोर पर जमीन पर एक बॉल रखिए, ठीक है, और उसे आप धीरे से पुश कर दीजिए, ठीक है, वो मूव होने लगेगी, फिर आप एक बार और उसे पुश कर दीजिए, मूव हो रही है, मूव होते ही होते आप उसे एक और बार पुश कर दीजिए, अब क्या दिखा, आपको कोई चेंज नजर आया, उस बॉल की स्पीड बढ़ जाएगी, है ना, जब आप दोबारा से उसको पुश करोगे। जैसे बचपन में आपने टायर चलाया होगा, जो टायर होता है उसको स्टिक से ऐसे मूव करते हैं ना, स्टिक से हिट करते रहते हैं और वो मूव होता रहता है, तो जितनी भी बार आप स्टिक से उसे पुश करेंगे तो वो उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है ना, और अगर हम पुश करना छोड़ दें तो क्या होगा, कुछ दूर मूव करने के बाद में वो रुक जाता है ना, तो वही चीज है। अब देखिए जैसे ये बॉल मूव हो रही, इसके सामने आप अपनी पाम रख दीजिए तो क्या होगा, अगर ये स्पीड से बॉल आ रही है, इसके सामने आपने अपनी हथेली लगा दी तो वो बॉल का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, है ना, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव होने लग जाएगी। अगर इस बॉल की स्पीड स्लो थी, ठीक है, ये कम स्पीड से आ रही थी, तब आप अगर हथेली लगा देते हो तो क्या होगा, वो बॉल वहीं पे ही रुक जाएगी। ये देखिए ये मैंने आपको ये वाला टायर का एग्जांपल दिया, जब आप उस पे हिट करते रहोगे तो वो और तेज हो जाता है, ठीक है, और हिट करना बंद कर दोगे तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो अपने आप ही स्लो होकर के रुक जाएगा। ऐसे ही फुटबॉल में होता है, जब पेनल्टी किक लेते वक्त बॉल पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो शुरू में बॉल, देखिए पहले बॉल रेस्ट में थी, ठीक है, और जैसे ही हमने मींस रेस्ट में थी मींस उसकी स्पीड कितनी थी, जीरो, ठीक है, जब बॉल रेस्ट में थी तो उसकी स्पीड जीरो थी, अब जब उस पर किक मारा एकदम से तो उस पर फोर्स अप्लाई किया तो उसके बाद क्या हो गया, बॉल मूव करने लगती है, बॉल मूव कर रही है, ठीक है, उसको पकड़ने के लिए गोलकीपर एकदम से जंप करता है या फिर डाइव करता है ना, तो ये क्या कर रहा है, ये उस बॉल के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन, जिधर बॉल मूव कर रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में गोलकीपर फोर्स लगा रहा है, तो क्या होगा, इससे बॉल या तो रुक जाएगी और या तो फिर उस बॉल का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, या तो गोलकीपर बॉल को पकड़ लेगा या फिर बॉल का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने से, ठीक है, अगर वो रोक ले रहा है उस बॉल को तो क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने से अगर बॉल रुक जा रही है तो जो बॉल की जो स्पीड थी, इसका मतलब है वो स्पीड जीरो हो जा रही है ना, जब बॉल रुक जाती है रेस्ट में आ जाती है तो मतलब बॉल की स्पीड जीरो हो जाती है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, आइए हम देख लेते हैं इसका कंक्लूजन क्या निकला। देखिए इसका मतलब है क्या होता है, अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट मे चेंज इट्स स्पीड, ठीक है, जब हम फोर्स लगा रहे थे तो उसकी स्पीड को वो चेंज कर रहा था, है ना, कोई फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं तो उसकी स्पीड को बढ़ा सकता है या फिर घटा सकता है, जैसे बॉल मूव कर रही थी, ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया है तो वो उसकी स्पीड को बढ़ा देगा, ठीक है, और गोलकीपर जो अपोजिट डायरेक्शन में, या अगर हम पाम लगा दे रहे थे उसके आगे, तो जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था तो वो उसकी स्पीड को घटा देता है, ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो वो स्पीड बढ़ा देगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो वो स्पीड को घटा देगा। फोर्स से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकते हैं, घटा या बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और क्या हम उससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं, फोर्स अप्लाइड कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट,
फोर्स अप्लाई करने के बाद में किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज किया जा सकता है, जैसे हॉकी स्टिक से किया जाता है, बैट से किया जाता है ना, जैसे बॉलर ने बॉलिंग की, ठीक है, अब वो बॉल जो बैट्समैन होता है उसकी उसकी डायरेक्शन में उसकी तरफ आ रही है ना, बैट्समैन ने बॉल को अपने बैट से हिट किया तो अब जो बॉल का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया है ना, अब वो दूसरी डायरेक्शन में बॉल चली गई। तो फोर्स अप्लाई करने के बाद में मूव करते हुए ऑब्जेक्ट का हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, स्पीड चेंज कर सकते हैं और डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। ये मान लीजिए कोई फ्लोर है, ठीक है, उस पे आपने बॉल को लुढ़काया हुआ है, ठीक है, अब उसके रास्ते में ही एक रूलर रख दीजिए ऐसे, तो ये बॉल इधर से लुढ़क रही है, ठीक है, इस रूलर से, रूलर की जगह आप कोई और भी ऑब्जेक्ट रख सकते हो, अगर ये स्पीड में आई है तो ये बॉल उस ऑब्जेक्ट से टकरा करके उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, है ना। तो मतलब फोर्स लगाकर स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज किया जा सकता है। अ चेंज इन ईदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ इज डिस्क्राइब्ड एज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। यानी फोर्स लगने से अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज आ रहा है या जो डायरेक्शन में चेंज आ रहा है या फिर ये दोनों ही हो रहे हैं, इसी को हम जो उस ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन है, जो गति की स्थिति है, उसमें चेंज कह सकते हैं, ठीक है जी। कोई चीज मूव कर रही है, अब उसकी स्थिति हमें बतानी है, तो जैसे वो मूव कर रही है उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक है, अगर वो ईस्ट की तरफ मूव कर रही थी तो उसकी स्थिति ईस्ट साइड में थी, मोशन में थी, ठीक है, अब अगर वो वेस्ट की तरफ मूव कर गई मींस डायरेक्शन चेंज हो गया, तो यानी उसकी स्टेट बदल गई। डायरेक्शन का चेंज होना या फिर उसकी स्पीड का चेंज होना, पहले स्लो मोशन में थी, ठीक है, अब अगर फास्ट मोशन में हो गई तो उसकी स्थिति चेंज हो गई, जो गति की स्थिति थी वो बदल गई। तो यही होता है चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। और अच्छे से अगर आपको प्रिसाइजली समझना है कि स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, तो देखिए एन ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट, कोई ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में हो सकता है या फिर और इन मोशन, या फिर वो मोशन में हो सकता है ना, ये दो ही तो स्थिति हो सकती है, या तो वो रेस्ट में होगा और या तो वो मोशन में होगा, ठीक है। तो ये दोनों ही किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन होती है। रेस्ट का मतलब क्या है, जीरो स्पीड, है ना, स्टेट ऑफ रेस्ट मीन्स द स्टेट ऑफ जीरो स्पीड। अगर कोई बॉल है कहीं पे रखी हुई है मींस वो जीरो स्पीड पे है, उसकी कोई स्पीड है ही नहीं, तो वो रेस्ट में है। अभी अगर उसकी स्पीड बढ़ जाएगी तो वो मूव करने लगेगी, है ना। स्टेट ऑफ मोशन को किससे डिस्क्राइब करते हैं, स्टेट ऑफ मोशन को किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड और डायरेक्शन से डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो इन्हीं चीजों में अगर कोई भी चेंजेस आता है, मींस जैसे कोई चीज रेस्ट है वो रेस्ट से मोशन में आ जाए, ठीक है, और मोशन में भी उसकी स्पीड घट जाए या बढ़ जाए और उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो यही जो ये चेंजेस है वही उसके मोशन के स्टेट में चेंजेस होते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, स्टेट ऑफ मोशन तो हमारी समझ में आ गया है ना। स्टेट ऑफ रेस्ट होता है अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड जीरो है तो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट हो जाती है, और स्टेट ऑफ मोशन होता है अगर वो मूव कर रहा है तो उसकी क्या स्पीड है और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये उसकी गति की स्थिति हो गई, ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ गई। अब जरा सोचिए, क्या हम ये कह सकते हैं कि फोर्स लगाने पर हर बार, मतलब हमेशा ही जरूरी हो कि हम फोर्स लगा रहे हैं अगर किसी ऑब्जेक्ट पे तो उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज होती ही होती है? नहीं, है ना, ऐसा नहीं होता है हर बार। क्यों? क्योंकि हमने पहले एक एग्जांपल देखा था ना कि एक हैवी बॉक्स था, उसको अपोजिट डायरेक्शन से दो पर्सन पुश करने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने देखा था अगर उन दोनों के द्वारा लगाया गया फोर्स इक्वल था तो नेट फोर्स जीरो हो जा रहा था, है ना। क्या देखा था हमने कि ये हैवी सा बॉक्स था, इसको इधर से भी एक लोग पुश कर रहे थे और इधर से भी, ठीक है, अब अगर दोनों लोग बराबर फोर्स लगा रहे थे, इक्वल फोर्स अगर दोनों लोग अप्लाई कर रहे थे तो ये बॉक्स किधर भी मूव नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि जो रिजल्टेंट फोर्स था वो जीरो हो जा रहा था, ठीक है, हमेशा नेट फोर्स ही माना जाता है, उसी से ही इफेक्ट पड़ता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए, और मैं एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे कि आप पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ पे कितने हैवी हैवी से पत्थर होते हैं, आप उसको अपनी पूरी ताकत लगा करके ऐसे मूव करने की कोशिश करिए, पहाड़ अपनी जगह से दूसरी जगह पे मूव हो जाएगा, जबकि उस पे फोर्स तो अप्लाई हो रहा है ना, है ना, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन
उसकी जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज नहीं हो रही है, वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही है। देखिए ये वॉल है, ठीक है, इस पे मैं कितना भी फोर्स लगा लूं, कितना भी फोर्स लगा लूं, क्या ये वॉल सरक जाएगी? नहीं सरकेगी, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फोर्स लगाने से जरूरी नहीं है कि हर बार किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो ही, ठीक है, ये हमेशा जरूरी नहीं होता है। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनका शेप भी चेंज हो जाता है, ठीक है। इसके कई सारे एग्जांपल हमने देखे ही हैं अपनी डेली लाइफ में। अब जैसे कि ये एक रबर बैंड है, ठीक है, इस पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसका शेप चेंज हो रहा है ना। देखिए घरों में आपने मम्मी लोगों को देखा ही है कि जब वो किचन में रोटी बेलती हैं, ठीक है, तो क्या करती हैं, वो जो वो आटे की लोई होती है उसे बेलन से प्रेस करती हैं, मींस फोर्स लगा रही, ठीक है, बेलन के थ्रू उस आटे की लोई पर जब फोर्स लगता है तो उसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है और वो रोटी बन जाती है ना। तो मतलब फोर्स लगा करके हम किसी के शेप में भी चेंज कर सकते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स के शेप में भी चेंज कर सकते हैं। अब जैसे कि जो इन्फ्लेटेड बलून होता है, ठीक है, जो फूला हुआ पूरा बलून होता है, उसको आप अपने दोनों हाथों के बीच में रख के ऐसे प्रेस करके देखिए, ठीक है, तो वो प्रेस हो जाता है ना। तो अब आपको ये सारे एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम फोर्स लगाकर कुछ ऑब्जेक्ट्स के शेप में चेंज कर सकते हैं। अब हम एक समरी देख लेते हैं, हमने जितने भी एग्जांपल्स देखे हैं तो उससे हमें क्या पता लग रहा है कि फोर्स से हम क्या क्या कर सकते हैं, तो एक समरी देख लेते हैं। अब फोर्स ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मैं ऑलरेडी आपको लिखवा चुकी हूँ, ठीक है। मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, है ना, फोर्स लगा करके कोई रुकी हुई चीज को, जैसे कोई बॉल है वो रुकी हुई है, उस पर फोर्स लगाया तो वो मूव कर जाती है ना। उसको फोर्स लगाने पर मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग, जैसे जो टायर था जब वो मूव कर रहा था उस पर अगर हम बराबर फोर्स लगाते रहते तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हमने देखा था कि बैट्समैन अपनी तरफ आ रही बॉल को बैट से हिट करके उसका डायरेक्शन चेंज कर दे रहा था, है ना, फोर्स लगाकर। मे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हमने देखा था कि फोर्स लगाने पर ऑब्जेक्ट्स का शेप भी चेंज हो जाता है ना, कुछ ऑब्जेक्ट्स का। तो नन ऑफ दीज एक्शंस कैन टेक प्लेस विदाउट द एक्शन ऑफ अ फोर्स, अब इनमें से कोई भी एक्शन बिना कोई फोर्स लगाए नहीं हो सकता है, ठीक है, किसी ना किसी तरीके का फोर्स हमें लगाना ही पड़ेगा अगर हम चाह रहे हैं कोई चीज रेस्ट में है वो मूव हो जाए, अगर हम चाह रहे हैं किसी चीज की स्पीड बढ़ जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए या फिर उसका शेप चेंज हो जाए, तो हमें हमेशा फोर्स लगाना ही पड़ेगा, फोर्स की एब्सेंस में ये चीजें नहीं हो सकती हैं। देखिए आपकी बुक में ये वाली एक टेबल दी हुई है, इसमें आपको कुछ एक्शंस बताए गए हैं, ठीक है, यहाँ पे सिचुएशन बताई गई है और यहाँ पे बताया गया कि आप इस सिचुएशन में फोर्स कैसे अप्लाई करोगे, ठीक है, और ये डायग्राम दिया हुआ है। आपको यहाँ पे बताना है कि फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या उसकी स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज हुआ या फिर उसके शेप में कोई चेंज हुआ, यस या नो में बताना है, ठीक है। जैसे कि पहला वाला क्या है, जो डो का लंप था उसे हाथों से ऐसे पुश करने के बाद में क्या उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुआ, मोशन नहीं यहाँ पे उसके शेप में चेंज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे फोर्स लगाने के बाद में उसके शेप में चेंज हो रहा है। अब ये देखिए स्प्रिंग फिक्स होती है, जो जो साइकिल होती है उनकी सीट में स्प्रिंग फिक्स होती है, जब कोई भी पर्सन उस साइकिल पे बैठता है तो वो जो वो सीट होती है वो नीचे की तरफ हल्का सा दब जाती है, यानी उसके शेप में चेंज हो रहा है ना। जैसे ये रबर बैंड है, इसको लटकाया हुआ है एक नेल के थ्रू, ठीक है, अब इसको अगर हम पुल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसके शेप में चेंज हो रहा है ना। फोर्थ एग्जांपल, अब प्लास्टिक और मेटल स्केल को दो ब्रिक्स के बीच में रख दिया, उसके ऊपर एक वेट रखा है, ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, शेप में चेंज हो रहा है, स्टेट ऑफ मोशन नहीं, ठीक है, शेप में चेंज हो रहा है। बेटा देखिए इनमें से ये जितने भी एग्जांपल्स हैं इनमें से किसी में भी स्टेट ऑफ मोशन नहीं चेंज हो रहा है ना। देखिए ना तो कोई भी चीज ऐसी है जो रेस्ट में थी और वो मोशन में आ गई हो, ऐसा कोई भी चीज नहीं है ना इनमें से, ना ही किसी का भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना तो स्पीड चेंज हो रही है ना। इनमें क्या हो रहा है, शेप में चेंज हो रहा है, तो शेप में चेंज वाले कॉलम में आप यस यस या टिक कर लीजिए, ठीक है, और इसमें नो नो,
ओके फिल कर लीजिएगा पेंसिल से। जरूरी नहीं है कि ये फोर्स लगाए तो ये सारे ही काम हो एक साथ, ठीक है। कभी मतलब इनमें से कोई एक काम भी हो सकता है या फिर सारे काम भी एक साथ हो सकते हैं।